आदरणीय बंधुओं, ओम नमः शिवाय। आइए इस वीडियो के माध्यम से बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर बौद्ध धर्म के उदय, उसके विस्तार एवं मूल सिद्धांतों को समझने का प्रयास करते हैं। शिवा मिशन न्यास बाबा कैलाशी के आदेश से हिंदू सनातन धर्म के साथ साथ विश्व में प्रचलित प्रमुख धर्मों के विषय में आपको संक्षिप्त एवं सारगर्भित जानकारी देने का प्रयास कर रहा है। लगभग 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन के पुत्र सिद्धार्थ गौतम लुम्बिनी वन में जन्मे थे। निरंजना नदी के तीर पर वैशाखी पूर्णिमा की अर्धरात्रि में अभिसंबोधि प्राप्त करने के अनंतर उन्हें बुद्ध की संज्ञा दी गई। साथ ही साथ वे भगवान और तथागत की संज्ञाओं से भी विभूषित हुए। जब भगवान गौतम बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय न केवल भारत में अपितु समस्त विश्व में बौद्धिक जागृति और नव चेतना का प्रारंभ हो रहा था। चीन में लाओस और कन्फ्यूशियस, फारस में जरातुष्ट, यूनान में थैलीज और एनेक्सीमेंडर भी लगभग इसी समय सर्वभौम सत्य और धर्म के विविध पक्षों का उद्घाटन कर रहे थे। भारत में उपनिषद चिंतन के प्रकर्ष के बाद वेदों, उपनिषदों एवं अन्य चिंतन परंपराओं को आत्मसात कर भगवान बुद्ध ने स्वयं साक्षात्कार किए एवं सत्य के स्वरूप को उद्घाटित किया। पाशुनाथ की परंपरा में लगभग इसी समय वर्धमान महावीर का आविर्भाव हुआ और श्रवण परंपरा में 5 अन्य विचारक भी हुए जो तत्कालीन सामाजिक और दार्शनिक परंपराओं को विविध रूपों में अपनी दृष्टि से अभिव्यक्ति प्रदान कर रहे थे। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार थे। जाति भी दुख है, जरा भी दुख है, मरण भी दुख है, अप्रिय से संयोग और प्रिय से वियोग भी दुख है। यही दुख सत्य है जो बुद्ध द्वारा उपदिष्ट प्रथम आर्य सत्य है। पुनर्भव का हेतु ही अनेक तृष्णाओं को उत्पन्न करता है। सांसारिक पदार्थों का अभिनंदन करने वाली तृष्णा से ही दुख होता है। यही दुख द्वितीय आर्य सत्य है। उक्त प्रकार से उत्पन्न तृष्णा के अत्यंत निरोध, परित्याग और विनाश को दुख निरोध कहते हैं। यही दुख निरोध तीसरा आर्य सत्य है। उक्त प्रकार से दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग ही आर्य अष्टांगिक मार्ग है। यही दुख निरोधगामी आर्य अष्टांगिक मार्ग चौथा आर्य सत्य है। अष्टांगिक मार्ग में निम्नलिखित 8 बातें सम्मिलित हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इस आर्य अष्टांगिक मार्ग के आचरण से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण के समय महात्मा बुद्ध ने अपने आसपास के भिक्षुकों को जो उपदेश दिया वह इस प्रकार था: हे भिक्षुओं, तुम आत्मदीप बनकर विचरण करो, तुम अपनी ही शरण जाओ, किसी अन्य का अवलंबन ग्रहण मत करो, केवल धर्म को अपना दीपक बनाओ और केवल धर्म की शरण जाओ। सम्राट अशोक ने भारत और अन्य देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुत सहायता की। उसने वर्मा, श्रीलंका और पश्चिमी एशिया के कुछ देशों में अपने धर्म प्रचारक भेजे। अशोक ने 84,000 स्तूपों तथा बहुत से विहारों का निर्माण कराया। बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ त्रिपिटक है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के कुछ शताब्दी पश्चात उनकी शिक्षाओं और सिद्धांतों को लेकर मतभेद पैदा हो गया, फलतः बौद्ध 2 शाखाओं में बट गया, हीनयान और महायान। इन दोनों ने ही अपने दृष्टिकोण से बुद्ध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। हीनयान अर्थात छोटी सवारी मूल बौद्ध धर्म था। इसने बुद्ध की शिक्षाओं को मूल रूप से अपनाया। इसे दक्षिणी बौद्ध धर्म भी कहते हैं। इसके अनुसार मानव जीवन कष्टमय है। इन कष्टों की वृद्धि स्वयं आत्मा द्वारा होती है जो पुनर्जन्म के चक्कर से गुजरती रहती है। इस पुनर्जन्म का अंत ही इन कष्टों का अंत है। महायान अर्थात बड़ी सवारी
इन मतावलंबियों ने बुद्ध को भगवान का रूप दे दिया, इसलिए महायानियों का लक्ष्य सभी प्राणियों के उद्धार के लिए बुद्धत्व प्राप्ति है और बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए ही सर्वप्रथम बोधिसत्व की प्राप्ति का संकल्प आवश्यक है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व का अर्थ उस सहृदय या आध्यात्मिक व्यक्ति से है जो भविष्य में बुद्ध के स्तर तक पहुंच सकता है। आज विश्व के अधिकांश भागों में महायान मत के मानने वाले बौद्धों की संख्या अधिक है। चीन, तिब्बत, कोरिया व मंगोलिया आदि देशों में महायान अधिक प्रचलित है, जबकि वर्मा, श्रीलंका, कंपूचिया आदि में हीनयान का अधिक प्रचलन है। यदि इस वीडियो से बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों को समझने से आपके सामान्य ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई तो शिवा मिशन न्यास अपने श्रम को सार्थक समझेगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अवश्य शेयर करें, लाइक करें और शिवा मिशन न्यास के चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए ओम नमः शिवाय।